अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले मैगी की एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी जो आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। आज हम बनाएंगे मैगी मंचूरियन, जो कि वेज मंचूरियन से कई ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और इसकी ग्रेवी हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैगी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाला है 1.5 कप पानी। हम 2 पैकेट मैगी के यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से 1.5 कप पानी बिल्कुल इनफ है, इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब सबसे पहले इसमें 2 पैकेट मैगी मसाले के ऐड कर देंगे। मैं आपको पहले ही बता दूँ, 2 पैकेट मैगी में आप आसानी से 13 मंचूरियन बॉल्स बना सकते हैं। ये मैंने 2 पैकेट मैगी मसाले के ऐड कर दिए हैं और अब इसमें हम डाल देंगे मैगी, और जैसे हम नॉर्मल मैगी बॉईल करते हैं वैसे ही इसे पका लेंगे। 2 मिनट में तो खैर मैगी कभी नहीं बनती। ये देखिए, इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है और मैगी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे हम पहले कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। मैगी ठंडी हो गई है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, ये दोनों आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी साइज़ की, मैंने प्याज ली है उसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और फिर इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, ये 1 मीडियम साइज़ की मेरे पास शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, 3 चम्मच भरकर हमें चावल का आटा डालना है इसमें। फिर इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ये डालना है 2 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मैंने हाथ से मिक्स किया था, उससे ये प्रॉपरली मिक्स हो रही थी। ये देखिए, अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मंचूरियन बॉल्स को कोट करने के लिए हमें एक और मैगी का पैकेट चाहिए होगा। टोटल 3 मैगी के पैकेट लगे हैं और अब इन्हें हम हाथों से क्रश कर लेंगे। बहुत आसानी से ये क्रश हो जाता है, आपको कोई ब्लेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हल्का सा इस तरह से दबाएंगे और ये इस तरह से क्रश हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सारी मैगी क्रश कर ली है, इसे अब हम साइड कर लेंगे और मंचूरियन बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मैगी लेंगे और आपको हाथों में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही इसे इस तरह से आप ब्राउन करेंगे तो ये एक साथ कंबाइन होने लगेगी। और हमने इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाया तो ये बहुत क्रंची बनेगी बाहर से। ये देखिए, इस तरह से आप इसे राउंड करें और फिर हाथों से इस तरह से राउंड करें तो ये आपस में आसानी से कंबाइन हो जाएगी। और ये पहली मंचूरियन बॉल मैंने बना ली है, इसी तरीके से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं और ये देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। टोटल जैसे मैंने आपको बताया था 13 बॉल्स बनी हैं। अब इन बॉल्स को हम क्रश करी हुई मैगी में कोट कर लेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं और इन्हें बिना कोट करे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कोट कर कर ये ज़्यादा अच्छी बनती हैं। देखिए, अच्छे से मैंने इसे कोट कर लिया, हल्का सा दबाया है और ये अच्छे से कोट हो गई है। और इसी तरीके से हम सारी बॉल्स कोट कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने सारी बॉल्स कोट कर ली हैं और अब ये रेडी हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए आपने सबसे पहले तेल को बढ़िया गरम करना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो आप एक बॉल डालकर देख लीजिए, अगर इस तरह से बबल्स बन रहे हैं तो मतलब तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब गैस को मीडियम कर दीजिएगा और सारी बॉल्स इसमें डालकर फ्राई कीजिएगा। आप 4 से 5 बॉल्स इसमें फ्राई कर सकते हैं एक बार आराम से। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, गैस को मीडियम रखिएगा, मीडियम गैस पर इसे फ्राई कीजिएगा ताकि अच्छे से क्रिस्प बने। अगर आप ज़्यादा तेज़ गैस पर इसे फ्राई कर लेंगे तो बाहर की कोटिंग एकदम से ब्राउन हो जाएगी और ये अंदर से फ्राई नहीं होगी, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियम गैस पर इस तरह से उलट पलट कर कर आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है और कितना बढ़िया कलर आ गया है बिल्कुल।
इसी तरीके से हम सारी बॉल्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स फ्राई कर ली हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्प बनी है। अब फटाफट से हम ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने 2 से 3 चम्मच तेल लिया है, इसमें डाल देंगे ढेर सारा लहसुन। एक पूरा लहसुन यूज़ किया है मैंने, उसको बारीक कट कर लिया है। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और फिर इसमें मैंने ये 2 हरी मिर्च लिए, इसे बीच से कट कर लिया है, वो डाल दूंगी मैं। अब इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, बस इसका जैसे ही कच्चापन दूर हो जाएगा हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है बड़े पीसेस में। मैंने रेड और ग्रीन दोनों शिमला मिर्च यूज़ करी है। अगर आपके पास येलो है तो आप वो भी डाल सकते हैं या फिर ग्रीन खाली यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने एक प्याज ली है और इसे भी मैंने इस तरह से पत्ते वाले शेप में कट कर लिया है। और इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है इसे, थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें सारे सॉसेस डालेंगे जिससे ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप। ये 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये 1 ही चम्मच डाला है मैंने। फिर इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच के करीब। फिर इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, ये 1/2 चम्मच डालेंगे। अब इन सारे सॉसेस को पकाएंगे अच्छे से ताकि ये अपना फ्लेवर जो है इसमें रिलीज कर दें। और अब ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने पूरा इसमें पानी डाला है, 1 कप पानी बिल्कुल इनफ था। अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। ध्यान रखिएगा अपने मंचूरियन बॉल्स में भी नमक डाला है तो इसलिए कम ही डालिएगा। फिर इसके फ्लेवर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैंने टोमेटो केचप 2 चम्मच और डाला था ताकि इसका खट्टापन जो है वो दूर हो जाए। अब ग्रेवी जो है हमारी पतली हो गई है तो इसे गाढ़ा करने के लिए एक बाइंडिंग एजेंट डालेंगे। मैंने डाला है अरारोट का पाउडर 1 चम्मच। 1/4 कप मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने ये अरारोट का पाउडर मिक्स किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर है अगर आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। ये डालते ही आप देखेंगे कुछ सेकंड में ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होने लगेगी। इसमें एक बॉईल आने देंगे पहले, फिर इसमें लास्ट में डाल देंगे सारी चीज़ों का फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए चीनी। बस 1/2 टीस्पून के करीब मैंने चीनी डाली है और लास्ट में इसमें हम मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे और इसे ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको एक पीस जो है कट कर दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया ये तैयार हुई है और वेज मंचूरियन से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। इसे घर पर ज़रूर बनाइए, मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।